दोस्तों, बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान का विश्व कप 2023 में लगातार खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार दो मैच जीतने के बाद पाकिस्तान को चार मैच गंवाना पड़ा। 27 अक्टूबर को विश्व कप 2023 का मैच नंबर 26 पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मैच में भी पाकिस्तान को एक विकेट से निराश हाथ लगी। लगातार चौथी हार का स्वाद चखने के बाद कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे, जहां पर उन्होंने अंपायर के फैसले पर बेबाक अंदाज में जवाब दिया है। बाबर के मुताबिक यह मैच अंपायर की वजह से पाकिस्तान को गंवाना पड़ा। एक विकेट से हारने के बाद कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, जहां पर उन्होंने कहा, हम बहुत करीब हैं, हमारा अंत अच्छा नहीं रहा, पूरी टीम के लिए बेहद निराशाजनक, हमने बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया, बैटिंग में हम 10-15 रन कम थे, तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने अच्छा संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका, ये खेल का हिस्सा है, डीआरएस में ये खेल का हिस्सा है, अगर अंपायर ने इसे दे दिया होता तो इससे हमें फायदा होता, हमारे पास इसे जीतने और दौड़ में बने रहने का अवसर है। बता दें कि हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में अंपायर कॉल की वजह से तबरेज शमसी नॉट आउट करार दिए गए थे, जिसके चलते पाक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।